बड़ी खबर की बात करते हैं। जवानों ने बरामद किया है आईईडी। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान बता दें आपको, सीआरपीएफ ने बरामद किया है आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। लोहा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा की खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जवानों ने आईईडी बरामद किया है, डिफ्यूज भी इसे कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था और सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ ने आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। लोहा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। लोहा गांव की यह घटना है, जहां पर जवानों ने आईईडी बरामद किया है और उसे नष्ट भी कर दिया गया है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलों ने आईईडी लगाया हुआ था और सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। उसी दौरान आईईडी बरामद किया गया, जिसे ब्लास्ट भी कर दिया गया मौके पर। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ ने बरामद किया आईईडी, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। तो नक्सलियों की काराना करतूत लगातार हम देखते हैं और कामयाबी भी कहीं ना कहीं जवानों को हासिल होती है। लगातार हम देखते आते हैं कि किस तरह से आईडी लगाया रहता है और फिर सुरक्षा बल जब निकलते हैं, सर्चिंग पर निकलते हैं, कई जगह पर ये पाए जाते हैं और इसे फिर मौके पर नष्ट किया जाता है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी लगाया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया और नष्ट भी कर दिया गया। जशपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। दो बाइक की टक्कर हुई है, हादसे में तीन लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। सिटी कोतवाली का यह मामला आपको बता रहे हैं। दो बाइक की भीषण टक्कर हुई है, दो बाइक की भीषण टक्कर होना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से ये भीषण टक्कर हुई आप देख सकते हैं। जशपुर की ये हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो बाइक की आपस में झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी रफ्तार से एक तरफ से बाइक आ रही थी और ये टक्कर हुई। हादसे का सीसीटीवी भी अब सामने आया है। सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जशपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो बाइक की भीषण टक्कर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत में लोग आ चुके हैं। शहर से लगे रावण भाटा में तेंदुआ दिखा, घर के दीवार पर बैठा नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुआ कैद भी हुआ है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो घर की दीवार पर बैठा नजर आया है तेंदुआ, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। शहर से लगे रावण भाटा में तेंदुआ देखा गया और जैसे ही देखा गया, लोगों में डर पैदा हुआ और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। घर की दीवार पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया और ये पूरी जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई। वन विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। घर की दीवार पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया है। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं और ये पूरी जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने गरियाबंद की, जहां पर शहर में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेंदुए की तस्वीर। शहर से लगे रावण भाटा इलाके में तेंदुआ देखा गया और तब से ही लोग डर के साए में जी रहे हैं। घर की दीवार पर बैठा हुआ नजर आ सकता है आपको तेंदुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये